नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी कर रहा है। ईडी के अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित राजद नेता के आवास पर छापेमारी कर रहे हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आरसीटीसी घोटाले के सिलसिले में 3 राज्यों में 15 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बिहार के पटना में राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के सहयोगी अबू दोजाना के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बुरी तरह लतार दिया है। वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति की 8वीं समीक्षा वाले प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने खुलकर आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं होते। आतंकी घटनाओं के पीछे की मंशा के आधार पर आतंकवादियों को बांटना बेहद खतरनाक है, इससे वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम प्रभावित होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विपक्षी दलों के तरफ से पत्र लिखकर छापेमारी का विरोध करने को लेकर कहा है कि मुझसे किसी ने साइन करने के लिए संपर्क नहीं किया है, सिर्फ 9 लोगों ने साइन करके प्रधानमंत्री को भेजा है। क्या विरोधी दल को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? बिहार में तेजस्वी से साइन करवाया गया, लेकिन नीतीश से क्यों नहीं करवाया गया? इससे तो यही जाहिर होता है कि या तो नीतीश पर भरोसा नहीं है या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी 75 साल पुरानी दोस्ती का जश्न मना रहे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भारत के दौरे पर है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में एंथनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके बाद पीएम ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी है। नागालैंड के बाद बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड में आग लगी हुई है, ये कहना बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी का है। उन्होंने कहा है कि नागालैंड के बाद बिहार में भी जदयू के नेता बीजेपी में आना चाहते हैं, कोई भी डूबती जदयू रूपी नाव पर सवार नहीं होना चाहता है। ठग सुकेश चंद्रशेखर की आज यानी 10 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उसने दिल्ली शराब नीति मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होने की भी बात कही है। बिहार विधान परिषद के खाली हुए 5 सीटों पर आगामी 31 मार्च को चुनाव होने। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार सिंह की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया है कि सारण स्नातक सीट से पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि गया स्नातक से अवधेश नारायण सिंह है। कोसी शिक्षक सीट से रंजन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही साथ सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कश्मीर पर विवादित लेख प्रकाशित करने पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बुरी तरह से लतारा है। अनुराग ने ट्वीट कर लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत पहले ही भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता के सभी दावों को छोड़ दिया था। इनका काम अब केवल भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ फैलाना है। पटना में ईडी ने राजद नेता अबू दोजाना के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस बीच रेड को लेकर राजद और जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी गई है। राजद की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि राजद सीबीआई ईडी और आईटी के रेड से डरने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं, इसलिए भाजपाई अब राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ईडी आईटी और सीबीआई की टीम को भेज दे रहे हैं। लेकिन यह लोग चाहे जितने भी छापेमारी कर ले, 2024 चुनाव में जनता इन्हें कुर्सी से हटाने का प्लान बना चुकी है। कोरोना के बाद एक और जानलेवा वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। देश के कई राज्यों में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बढ़ रहा है। H3N2 वायरस जो कि देश में पहली मौत दर्ज की है H3N2 वायरस ने देश में पहली मौत दर्ज की है। हरियाणा और कर्नाटक में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इन 2 राज्यों के अलावा बाकी के राज्यों में भी 4 मौतें हुई हैं। हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जब 3 साल बाद देश कोरोना महामारी से उभरा था, बच्चे और बुजुर्ग तेजी से वायरल की चपेट में आ रहे हैं। गोवा के जंगल लगातार 6ठे दिन जलते रहे और दुर्लभ जैव विविधता झुलसती रही है। दुनिया के 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट का यह विशाल इलाका राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे भीषण आग की लपटों से तबाह हो रहा है। अधिकारियों और अग्निशामकों को फिलहाल कोई राहत दिखाई नहीं दे रही। दूर दराज के स्थानों और खड़ी चढ़ाई के कारण जंगल की आग बुझाने में सोमवार तक का वक्त लग सकता है। अमेरिकी खुफिया संस्था ने गुरुवार को कहा कि पहले की तुलना में पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अधिक सैन्य बल से जवाब दे सकता है। अपनी वार्षिक खतरे की आकलन रिपोर्ट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय ने भारत और उसके 2 पड़ोसियों क्रमशः पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर भी प्रकाश डाला। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि स्वीकार किया गया है कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत में रेल मंत्रालय ने अमृत भारत नामक एक नई योजना शुरू की है, जो पूरे देश में भारतीय रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। इसे 1000 अधिक
रेलवे स्टेशनों के बुनियादी ढांचे के विकास के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। यह योजना भारत के रेलवे स्टेशनों में जरूरत और देखभाल के अनुसार लागू की जाएगी। यह योजना प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए अलग से मास्टर प्लान तैयार करने और उसके बाद उसके कार्यान्वयन को निर्धारित करती है। मुख्य लक्ष्य लंबी अवधि में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर बनाना है। अगर आपका खाता भी HDFC बैंक में है तो यह खबर आपके लिए। देश में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच HDFC के खाता धारकों का डेटा लीक होने की खबर आई है। पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बैंक के 6,00,000 ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ग्राहकों की निजी जानकारी लीक कर दी गई है। अफगानिस्तान से भारत आकर पढ़ाई कर रही छात्रा रजिया मुरादी ने BBC से बातचीत में तालिबान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि तालिबान को यह समझने की जरूरत है कि शिक्षा और विकास आपस में जुड़े हुए हैं। बता दें कि रजिया मुरादी 2021 में दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में MA की पढ़ाई करने सूरत पहुंची थी। उन्हें ICCR से स्कॉलरशिप मिली थी। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की औपचारिक रूपरेखा पेश कर दी है। सरकार इंटरनेट मध्यस्थ के तौर पर काम करने वाले किसी भी थर्ड पार्टी को उनकी वेबसाइट पर की गई पोस्ट के लिए उत्तरदायी बनाने पर काम कर रही है। सरकार जल्दी सेफ हार्बर नियम को हटाने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाकर कानूनों को बदलने जा रही है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के 18 मार्च को शुरू होने की संभावना है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। 377.08 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 130 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेश समकक्ष शेख हसीना द्वारा किया जाएगा। PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि यह खेद का विषय है। पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के समकक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक उपग्रह से टकराते बच गया। हालांकि उपग्रह से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जोर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बात की जानकारी अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने दी। उपग्रह में टक्कर ना हो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के इंजनों को 6 मिनट से अधिक समय तक चालू रखा गया। इसके साथ ही टक्कर से बचने के लिए स्टेशन को अपनी कक्षा को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा। जोशीमठ आपदा के प्रभावितों के पुनर्वास विस्थापन और नई अवस्थापना के लिए केंद्र सरकार के 2000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांगा गया है। राज्य सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में 1000 रुपए की व्यवस्था की गई है। चालू वित्त वर्ष के खत्म होने में अब महज 21 दिन ही बचे। ऐसे में सरकार के लिए विनिवेश की संशोधित रकम भी हासिल करना मुश्किल लग रहा है। अब तक विनिवेश से 31,106 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जबकि संशोधित लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए रखा गया था। हालांकि बजट में यह लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए का था। केंद्रीय नगर उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को विमान ईंधन पर वैट घटाकर 18% करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद दिया। सिंधिया ने कहा कि पिछले 1.5 साल में अब तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कर की दरों को युक्ति संगत बनाया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने ATF पर वैट को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है। दुनिया में आतंक का पर्याय माने जाने वाले तालिबान इन दिनों भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहा है। हालांकि यह बात कई मायनों में चौंकाने वाली है कि पाकिस्तान के इशारे पर दुनिया में मारकाट मचाने वाला तालिबान भारत की तारीफ क्यों कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यहां तक कि वहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी और खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। ऐसे में भारत ने अफगानिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने की घोषणा की और वो भी बिल्कुल मुफ्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में पिच को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। तीसरा टेस्ट सीरीज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। मैच के नतीजे के बाद ICC ने पिच को खराब बताते हुए 3 डिमेरिट पॉइंट भी दे दिए थे। हालांकि दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ICC के इस फैसले से खफा नजर आए थे। चौथा टेस्ट सीरीज मैच 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जा रहा था। इसी बीच सुनील गावस्कर का कहना है कि पिच की चर्चा पूर्व खिलाड़ियों के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं, जबकि जो खिलाड़ी खुद खेल रहे हैं वह इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर इंग्लैंड में उनके संबोधन को लेकर निशाना साधा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए जगदीप धनखड़ पर हमला बोला और कहा कि राज्यसभा का चेयरमैन अंपायर होता है, सत्ता पक्ष का लीडर नहीं। कैंपा कोला के फिर से लॉन्च की घोषणा ने इसके ग्रेट इंडियन टेस्ट की यादों को फिर से फ्रेश कर दिया है। कैंपा कोला 1970 के दशक में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट लीडर हुआ करता था, लेकिन पेप्सी और कोका कोला जैसे
फॉरेन प्लेयर्स के आने से काफी नुकसान हुआ। हालांकि कैंपाकोला के पतन से पहले वह सरकारी सॉफ्ट ड्रिंक को कड़ी टक्कर दे रहा था। इस सरकारी सॉफ्ट ड्रिंक का नाम था डबल सेवन, जिसे पहली बार 1977 में प्रगति मैदान में हुए ट्रेड फेयर में पहली बार उतारा गया था। भारतीय रेलवे ने यात्रियों का समय बचाने के लिए देशभर में ट्रेन नेटवर्क में बदलाव का पूरा खाका तैयार कर लिया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में राजधानी शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों की जगह 180 से 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। चेयर कार के बाद रेल मंत्रालय ने साल स्लीपर सुविधा वाली वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच फंसे कुल 438 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया है। जानकारी के अनुसार 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर ले नेशनल हाईवे के बंद होने के कारण ज्यादातर लोग फंस गए थे, लिहाजा इन यात्रियों को भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर यात्रियों को जम्मू से कारगिल और श्रीनगर से ले जाया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने पीके डिमांड सीजन में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया, जिसकी मदद से ऊर्जा कंपनियां बिजली की खरीद कर सकती है। इस पोर्टल पर एक विशेष श्रेणी के विक्रेताओं से बिजली खरीद की तय की गई अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा कीमत चुकाकर बिजली की खरीद की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से यह पोर्टल ऐसे समय पर लॉन्च किया गया है जब माना जा रहा है कि आने वाली गर्मियों में बिजली की मांग 239 गीगावाट को छू सकती है। पाकिस्तान के विदेश नीति एक्सपर्ट उजैर यूनुस भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान वह भारत में इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी भारत यात्रा को भविष्य में जाने के जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक के लिए पाकिस्तान की जनता के अंदर नफरत का झूठ भरा जा रहा है। उजैर यूनुस ने हाल ही में भारत की यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। यूनुस ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे में विकास के लिए खूब निवेश के साथ ही अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करने के लिए खूब प्रयास किए जा रहे हैं। इसके चलते भारतीयों में एक एटीट्यूड विकसित हुआ है कि ये समय हमारा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, स्वर्णेश्वर कुमार, एमडी साकिर हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, प्रवीण कृष्णा, नुन्नू गोलू कुमार, बिपिन लाल वर्मा, एमडी नौसाद रजा, कुशलेंद्र कुमार सिन्हांशु प्रिय और आयुष राजा। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मियों से बचने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।